श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू, हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिन पहले शूट करा था, इसको मैं अपलोड अब कर रही हूँ। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग दोस्तों। तो यहाँ रात को हमें कहीं जाना पड़ा, और अचानक तो मैं नहीं बोलूँगी, दोपहर में हमारा प्लान था जाने का, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक मुझे नहीं लग रही थी तो हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन स्टिल फिर भी हमें रात को यहाँ पर जाना पड़ा, तो वो आप आगे देखिए हमें कहाँ जाना पड़ा। आई होप आप समझ रहे होंगे हम लोग कहाँ आए हैं। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ आए हैं, और मतलब जो अनप्लान्ड था वो हमने यहाँ पे इंजॉय करा, और बहुत ही इंजॉयफुल रहा हमारा ये डे। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और कांच की कहानी में है ट्विस्ट। इतनी रात में ऑलमोस्ट 10 बज गए हम लोग, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आइए चलते देखते हैं सब लोग क्या करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम सार्थक के घर आ गए हैं। मुकुंद भैया और अंशुल भैया के घर। ए सार्थक, तेरा घर भी दिल्ली में होने वाला है, मुझसे निकल गया मामा के। अचानक वीही, आपको अच्छा लगा ये? वीही आ, वीही मतलब सब उस बेचारे बच्चे की गन के पीछे पड़ गए जरा सी। चाचू को तो खेलने को मिल गया बेटा गन। मंजुलिका कौन है? तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे रेशू लड़ने लगी अपने मामा से, कहने लगी मामा आप हमेशा अपने बच्चे के लिए, अपने लड़कों के लिए चीज़ें लाते हो, अपने बहुओं के लिए क्या लाए, प्यार से कभी कुछ लाया करो, ये कहा करो बेटा ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तो इट इज़ अ हार्ड टचिंग मोमेंट दोस्तों, जब कोई अपना अधिकार जमा के या अपना अधिकार समझ के इस तरह से कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से ये लोग लड़ते हैं, मामा के साथ छेड़खानी करते हैं, कोई देख के नहीं कह सकता ये हमारी बहुएं हैं, हमारे भांजे हैं, क्योंकि हम लोग सबके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। मान सम्मान अपनी जगह है और दोस्ती हमारी एक जगह है। तो यहाँ दोस्तों, रात को पहुँचने के बाद, गप्पे मारने के बाद, हम लोग गए मुकुंद भैया के यहाँ, क्योंकि डिनर सबका वही बना था एक साथ। तो डिनर में था बहुत टेस्टी भिंडी चटनी, पराठा, कटहल का अचार, और यम्मी सी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने यम्मी सा डिनर इन्जॉय करा, और उसके बाद फिर यहाँ पे देवर भाभी यानी कि मेरा छोटा बेटा आयुष और रेशु लग गए टमाटर प्याज की मैगी बनाने में, क्योंकि सबको मैगी खाने का मन था, और आयुष की जो हाथ की मैगी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, वो बहुत ही अच्छी बनाता है। और यहाँ पे हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पुराना व्लॉग है, उस समय मैंगो बहुत अच्छा आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाने के बाद मैंगो इन्जॉय करा। गाइस, अब बज रहे हैं रात के 12:15, और हम लुफ्त ले रहे हैं रेशु की प्यारी सी बालकनी का, जहाँ रेशु और मैं बैठ के मार रहे हैं गप्पे, और साथ में पी रहे ठंडा ठंडा पानी, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे देखिए बीन बैग पे, और मैं आपको रेशु का छोटा सा प्यारा सा गार्डन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। देखिए रेशु और हम गप्पे मार रहे हैं, और मौसम बड़ा प्यारा है, और यहाँ पे हमारा फैन चल रहा है, और ये देखिए। सो दोस्तों, जो ट्विस्ट है आज हमारे आने में वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ हम पहुँच गए, खाना वाना आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ, खा लिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है खुले आसमान के नीचे। तो यहाँ दोस्तों हो चुकी है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, मुकुंद भैया के फ्लैट में करा था, तो हम लोगों ने फिर मॉर्निंग जो टी होती है हमारी, बेड टी होती है, वो भी यहाँ पे यम्मी सी टी हमने बालकनी में बैठ के इंजॉय करी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और व्यू आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है काफ़ी हवादार है, घुटन नहीं लगती है, और यहाँ की जो बालकनी में बैठ के जब आप चाय पीते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। देखिए आप यहाँ पर कितने बड़े बड़े फ्लोर्स है, और आसमान कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी टी विद नमकीन एंड बिस्किट्स। टी बहुत टेस्टी बनाई थी रेशु ने। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हमारी हो गई है, गुड मॉर्निंग, और बज रही है 11 बजे हमारी हो रही है गुड मॉर्निंग, बिकॉज रात को 5 बजे तक हमारी चली थी गप्पे, तो सबको उठने में हो गया लेट। और यहाँ पे हम अपनी बालकनी में इंजॉय कर रहे हैं। रेशु हाय,
रेशु के साथ और मामा के साथ, यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ मामा रेशु के चाय। सो दोस्तों मिलते हैं आफ्टर द टी ब्रेक। हाय वी, गुड मॉर्निंग। अरे टी शर्ट दिखाओ भी अपनी, वी ही भग गए। बीहू मंजुलिका कहाँ है? बाहर से आ रही है, डरना मत, हम बैठे हैं। मंजुलिका कैसे करती है बताना? पता नहीं, पता नहीं, बता दो ना बाबू। कैसे कर बता, कर बता, नाच कर बता। आमी जे तुम्हार तुम्हार।